कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुवाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएँ प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं, तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें, यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभावो, जो आज तक निगोद से निकला नहीं है और जिसे आगे निकलने की संभावना भी नहीं है, ऐसे जीव के लिए भी भगवान महावीर ने परमात्मा की संज्ञा दी है, उसे भी परमात्मा कहा है, क्योंकि जीव आत्मा ही परमात्मा है निश्चय दृष्टि से। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी को भी निम्न या उसके लिए गलत ना साबित करें, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि यदि किसी के ऊपर एक दृष्टि, एक उंगली उठती है तो फिर आपके ऊपर तीन उंगली आती हैं। एक उंगली अगर बुरे की निकलती है, सामने वाले पर पड़ती है, दिखाई जाती है, तो तीन गुने आप दोषी हैं। आप किसी को घृणित कहते हो, बेईमान कहते हो, असाधु कहते हो, या उसको असभ्य कहते हो, तो ये असभ्य ऐसा किया तो तीन उंगली किस तरफ इशारा कर रही, अपनी ओर कर रहे हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि पहली गलती तो हमारी है कि हमने उस गलती को, उसको देखा ही क्यों, गलती क्यों मानी, व्यवहार दृष्टि क्यों बनाई। और जब आपने एक बार अगर देख भी लिया तो माना क्यों, और ठीक है मान लिया था तो आप अपना संभाल करते, अपने में नोट करते कि ये गलती हमें नहीं करना, अगर ये गलती मैं करूंगा तो मेरे लिए भी लोग इसी तरह से सोचेंगे। इसलिए दूसरी गलती के देखा क्यों और फिर उसे गलती माना क्यों, और फिर तीसरी दृष्टि गलती के आपने उसे कहा क्यों। ठीक है, अगर आपको कोई गलत नजर आ रहा था, गलत नजर से देख लिया तो पहली गलती कर ली और फिर दूसरी गलती कि उसको देख करके अपन को सुधरना चाहिए कि ये गलती इसने की है इसलिए इसके लिए मैं भी गलत कह रहा हूं, मेरे मन में उसके गलत के भाव आए तो हो सकता है मैं ये गलती करूंगा तो मेरे लिए भी लोग इसी तरह से सोचेंगे, इसलिए हम गलती नहीं करेंगे। शिक्षा लेना चाहिए थी, शिक्षा न्याय ले करके और उसको प्रचारित कर दिया कि वो गलत है, वो ऐसा है, वो दोषी है, वो असाधु है, वो फलाना है। अरे भगवान महावीर ने तो ये कहा है कि निगोदी आत्मा नित्य निगोद, अनादि नित्य निगोद, एक होता है सादी नित्य निगोद, माने अनादि अनंत नित्य निगोद होता है, जहां से आज तक जीव निकला नहीं और ना आगे निकलेगा, उस आत्मा को भी
परमात्मा शब्द से पुकार, उसको भी परमात्मा कहा है, उसको भी अशुद्ध नहीं माना। और आप महावीर के अनुयायी होकर के, महावीर के शिष्य होकर के, हम किसी को सुअर, किसी को ये, किसी को ये ऐसी उपाधि दे देते। अरे तुम्हें तो करुणा आना चाहिए कि देखो कि बेचारे को इतने अच्छा मनुष्य पर्याय मिल गया और उसको जैन कुल भी मिल गया और फिर भी वो ये काम कर रहा है। देखो कितना करुणा का पात्र है। जो हीन होता है, दीन होता है, कमजोर होता है, तो वो करुणा का पात्र होता है कि देखो मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत रसगति पानी, नर काया को सुरपति दर्शे सो दुर्लभ प्राणी। इतनी दुर्लभ पर्याय, मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई और वो बताओ समझ नहीं पा रहा है, तो उसके ऊपर तो करुणा आना चाहिए। जैन है तो और ज्यादा करुणा आना चाहिए कि देखो जैन कुल भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, मनुष्य पर्याय मिल गई, उत्तम कुल मिल गया, उत्तम देश मिल गया और जैन कुल भी मिल गया। अब जैन कुल मिल जाने के बाद भी वो सुधर नहीं पा रहा है, क्या इसका कर्म का उदय है? कोई साधु बन गया और यदि कदाचित उसके द्वारा कोई दोष या बुराई हो गई तो उसको समझाओ, एकांत में बिठाओ और उससे कहो कि भैया ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ, अरे मनुष्य पर्याय में तो साधु पद, ये साधु पद मिलना बड़ा मुश्किल है और तुमने कोई पूर्व में इतना पुण्य किया होगा कि उसके प्रभाव से ये साधु का पद मिल गया, ये भेष मिल गया और इस भेष में यदि उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया तो फिर कब करोगे? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम ब्रजलोपो भविष्यति। तो ऐसे ही का अन्य लिंगे, दूसरे लिंग में अगर कोई खोटा कार्य होता है, कुछ बुराई हो जाती है, कोई दोष हो जाता है, तो वो जिन्ह लिंग को धारण करके क्या किया जाता है, उसको धोया जाता है, उसे नष्ट किया जाता है, समाप्त किया जा सकता है। और जिन लिंग में ऐसा कोई गलत काम करोगे, दोष करोगे, तो फिर कहां धोगे? अरे अगर कीचड़ से कपड़ा गंदा हो जाता है तो पानी से धुलने की संभावना रहती है, लेकिन पानी ही यदि कपड़े को गंदा करता है तो फिर उसके धुलने की संभावना खत्म हो जाती है। तो और करना और आना चाहिए दया कि अरे बताओ, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु कैसे कर्म की लीला है। इसीलिए तो आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, देखो कर्म के कैसे कैसे विपाक आते हैं, कैसे कैसे उदय आते हैं कि वो इतनी अच्छी पर्याय पा करके, इतना अच्छा पद पा करके भी देखो कर्म ने धक्का दिया। मांग नंदी मुनि जिनके पास ज्ञान इतना था कि अन्य संघों के साधु भी उनसे प्रश्न पूछते थे, बड़े बड़े आचार्य जब किसी बात को नहीं समझा पाते थे, नहीं समझ पाते थे, कहीं शंका का फितूल खत्म नहीं होता था तो उस सिद्धांत को समझाने के लिए आचार्य मांगनंदी से निवेदन करते थे। मांगनंदी आचार्य जो है उसका समाधान करते, ऐसे महान विद्वान आचार्य मांगनंदी, उनके देखो कर्म का उदय आया, चारित्र मोहिनी कर्म ने इतना बड़ा धक्का दिया कि कहां जाकर के वो कुमार की कन्या से विवाह रच गया। वो समंत्रभद्र स्वामी देखो कितने उद्भव विद्वान, समंत्रभद्र का हम नाम लेते हैं, अगर कुंद कुंद के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो आचार्य समंत्रभद्र का नाम ज्यादा लिया जाता है। ऐसे समंत्रभद्र आचार्य
कुंद ने श्रवणों के संबंध में जितना अच्छा लिखा उतना ही अच्छा श्रावकों के संबंध में आचार्य समंत्र भद्र ने लिखा। तो ऐसे समंत्र भद्र आचार्य के जीवन में भी कर्म का उदय आया और वो भस्मक व्याधि से पीड़ित हुए और कहां शिव कोटि के यहां शिव मंदिर में रहना पड़ा। कहने का तात्पर्य कर्म के उदय आते हैं तो विचार करो कि देखो कर्म के उदय किसको छोड़ते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ को नहीं छोड़ा, ये तो साधारण है, और इसके आया है इसका कर्म का उदय समाप्त हो। प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करो, निंदा मत करो कि इस जीव का होनहार देखो इतना अच्छा सब मिल गया लेकिन ये ऐसा चल रहा है। हे प्रभु इसको सद्बुद्धि आए, इसकी सद्भावना बने, इसका चरित्र दृढ़ रहे, इसकी चर्या में प्रभाव ना दर्शे, ऐसी भावना करना तो श्रेष्ठ है। ये नहीं कि वो साधु ऐसा, वो श्रावक ऐसा, वो ऐसा, अरे उसके ऊपर एक उंगली उठाओगे तो तीन उंगली आपके ऊपर इंगित करेगी तुम तीन गुने बुरे हो। वो बुरा नहीं है, बुरा तुम्हारी दृष्टि में है। भगवान ने तो कह दिया है कि सभी आत्मा परमात्मा हैं, वो तो सभी शुद्ध आत्मा में मलिनता होती नहीं है। ये जो मलिनता दिख रही है वो किसकी है? ये मलिनता कर्म के उदय की है, कर्मोदय की मलिनता है, आत्मा की मलिनता नहीं है। पानी में मलिनता काय की आई है? पानी मलिन है क्या? अरे पानी मलिन नहीं है, पानी लाल पीला नहीं है, लेकिन अगर वो लाल पीला दिख रहा है तो ये समझ लेना चाहिए ये रंग की स्थिति है, लाल रंग के प्रभाव से हुआ है, पीले रंग के प्रभाव से हुआ है। ये मलिनता जो आई है, चारित्र में कुछ शिथिलता आई है, तो ये शिथिलता कर्म के उदय की है, ना कि उस आत्मा की। इसलिए निंदा तो करना नहीं, विष नहीं घोलना, अरे जीवन को अमृत में बनाओ। जो भी हमसे मिले वो जीवन को पाए, दुखी ना हो, सुखी हो जाए। और हम अपने जीवन में विष घोलेंगे तो क्या होगा? अपना भी मरण और सामने वाले का भी मरण। अपना तो मरण उसकी निंदा करके हमने कर ही लिया, अब उसका कर्मोदय जैसा होगा उसका होगा, लेकिन उसके निमित्त को पा करके, उन शब्दों को सुन करके कहीं उसके मन में कुछ और कसाय भाव जाग गई तो उसका अनर्थ हो जाएगा। यदि मैंने किसी को कुछ कहा और वो सुन करके कसाय भाव में आ गया, अहंकार में झूल गया, उसके अंदर कोई हीन भावना जाग गई तो फिर क्या होगा? वो अपना अनर्थ करेगा और तुमने तो अनर्थ कर ही लिया, क्योंकि उसके संबंध में अनाप शनाप बोल करके, अरे अपनी जिह्वा को गंदा किया, उसका जीवन गंदा था तो था, लेकिन तुमने अपनी जिह्वा क्यों गंदी की? अरे उसका जीवन वो जाने, उसका कर्म का उदय वो जाने, उसका काम वो जाने, उसका कल्याण वो जाने, हमारा काम हमें अपना कल्याण करना, हमें अपना जीवन अमृत बनाना है, चैतन्य मार्ग पर चलाना है, चैतन्यता से भरना है कि दूसरों को भराना है, पर को नहीं अपने को सुधारना है, पर को नहीं समझाना अपने को समझा लो। क्योंकि कहते हैं अगर दूसरे को समझाने में आप सक्षम नहीं है तो कसाय करने की अथवा कुछ अनाप शनाप कहने की कोई जरूरत नहीं, जरूरत है अपने को समझा लो। वो नहीं समझ रहा तो वो बात छोड़कर अपने को समझाओ कि भैया ये कर्म हो जाए, किसके लिए क्या कर सकता हूं। अरे महावीर स्वामी अपनी मौसी को नहीं समझा पाए, आदिनाथ भगवान मारी थी अपने पोते को नहीं समझा पाए, तो क्या हम आप उसे समझा लेंगे, उसको समझा सकते, उसको सुधार सकते?
अरे उसका सुधार बिगाड़ उसके अपने चित्त और कर्मोदय से, अपने परिणाम से है, हम अपने परिणाम ना बिगाड़े। यही चैतन्य मार्ग है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में क्या रग रहा है, राम रम रहा है, और उसको हम अनाप शनाप कहकर के विष नहीं बोले बल्कि अमृतमय बनाएं, क्योंकि चैतन्य मार्ग अमृत का मार्ग है। अमृत के मार्ग को अपनाएं, घंटे भर आठ घंटे के लिए मिले हैं तो क्या करना चाहिए, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें, प्रेम पूर्वक उठे बैठे एक दूसरे के सुख दुख खिलमिल करके रहें, ये तो हमारा अमृतमय जीवन बनाने का लक्ष्य। और आपस में घंटे भर मिले, आठ घंटे मिले, उसमें राग, उसमें देश, उसमें कसाय, उसमें ऐसा, ये मेरा और तेरा, ये गलत सलत दुनिया भर की बात नहीं, ये अपने जीवन को विषमय बनाने का मार्ग है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अपने जीवन को विष मार्ग से बचा करके अमृत मार्ग में लगाना है, और अमृत मार्ग से ऊपर उठ करके हमें चैतन्य मार्ग की ओर बढ़ना है। चैतन्य मार्ग है ना तो राग और ना देश, ना अच्छा ना बुरा, ये भाव चैतन्य मार्ग का है। और अच्छा कहना, कोई मिल गया तो बहुत अच्छा है, इसका चारित्र अच्छा है, उसके गुणगान करना, ये अमृत मार्ग है। और किसी की निंदा करना, बुराई करना, उसको गलत सलत कहना, ये विष मार्ग है। तो विष मार्ग से बच करके अमृत मार्ग में लगें, और अमृत मार्ग से ऊपर उठ करके चैतन्य मार्ग की ओर बढ़ें। यही आज का संदेश है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुवाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।